हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी ने किचन फाल। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के से चीला। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीला बनाने के लिए हमको चाहिए मक्के के दाने। मक्के के दाने में हमने डाल दिया लहसुन, लाल मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हम मिलाएंगे इसमें प्याज और इसको मिक्स करने के बाद हम करेंगे इसको ग्राइंड। ये बहुत टेस्टी नाश्ता होने वाला है फ्रेंड्स, आप लोग पक्का ट्राई करिएगा। एंड ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए ये देखिए हम इसे जार में डालेंगे। अब हम कर देंगे इसको ग्राइंड और हम इसको बना देंगे एक फाइन पेस्ट। तो देखिए ये इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। हम इसको निकाल देंगे बाउल में और अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले, हल्दी और मिर्च ऑप्शनल है क्योंकि मिर्च हमने वैसे भी डाली है। तो यहाँ पर डाला हमने नमक। तो अब हम यहाँ पेस्ट हमारा रेडी है। हम चाहे तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं थोड़ा। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल और अब हम इसको डाल देंगे। हम जैसे डोसा बनाते हैं उसी टाइप से हम इसको भी बनाएंगे। और ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से पकने देंगे तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे अच्छे से डाल दिया है। जितना छोटा करना है बड़ा करना है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। ये देखिए ये नीचे से पक गया है तो ये इजीली पलट भी जाएगा। और ये देखिए दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। हम चाहे तो इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। घी ऑप्शनल है, अगर चाहो तो लगाओ नहीं तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसा बन के आया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। अगर आप चाहते हैं थोड़ा इसको और टेस्टी बनाए तो इसमें बटर या घी लगा सकते हैं। हम इसको सॉस या चटनी और या चाय किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है। आप लोग पक्का इसको ट्राई करिए। आई होप आपको पक्का पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।